हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। जैसा कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिला, जहाँ समर स्लैम के लिए कुछ मैच ऑफिशियल हुए, मैं जजमेंट डे का बोल बाला रॉ के इस एपिसोड में भी दिखा, जजमेंट डैन ने केविन ओवंस पे, सेथ रॉलिंस पे, सैमी ज़ेन पे और मॉर्गन पे अटैक करा। इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.8 मिलियन रही। वहीं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप इस बार काफ़ी डाउन चली गई, जो कि 1.2 मिलियन के आसपास थी। चलो अच्छा है, रॉ ने अब तो स्मैकडाउन को पीछे छोड़ा। वहीं आपको बता दूं, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन या उससे ऊपर ही है, उसके आसपास ही रहती है। इस बार स्मैकडाउन की व्यूअरशिप डाउन होने के पीछे रीज़न ये है कि रिसेंट स्मैकडाउन का एपिसोड फॉक्स पे लाइव नहीं था, ये पिकॉक पे लाइव हुआ था। फॉक्स पे वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था, इसलिए वहाँ स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं देखने को मिला और इसी वजह से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थोड़ा डाउन चली गई 1.2 मिलियन के आसपास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ेन और केविन ओवंस के बारे में। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में सैमी ज़ेन वर्सेस जेब कतरे के मैच के दौरान केविन ओवंस पर स्टेज पर अटैक करा गया, जिसमें रिया रिप्ले और डेमियन शामिल थे, जिसके बाद केविन ओवंस को इंजर्ड बताया जा रहा है। अपडेट ऐसी आ रही है कि केविन ओवंस की रिब्स फ्रैक्चर हो गई हैं और अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो कब तक WWE से बाहर रहेंगे। अब सवाल ये कि केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का फ्यूचर क्या है, तो आपको बता दूं चीज़ें तब तक के लिए होल्ड पर डाली हुई हैं जब तक कि केविन ओवंस को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती कि वो कब तक के लिए WWE से बाहर रहेंगे। हालांकि अभी कोई आइडिया नहीं है कि टाइटल वैकेट होगा या कुछ और WWE डिसीजन लेगी, बट इतना है कि समर स्लैम में टाइटल डिफेंड नहीं होंगे। अब देखिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अपडेट ऐसी भी आ रही है कि केविन ओवंस पिछले काफी टाइम से इंजरी के साथ ही खेल रहे थे, तो हो सकता है कि अब पीक टाइम हो, उनको रेस्ट की जरूरत हो, इसलिए इस तरह का एंगल दिखा के उन्हें बाहर करा गया हो। वहीं हो सकता है कि केविन ओवंस इंजर्ड हों और WWE को मौका मिला हो कुछ ट्विस्ट करने का। देखिए केविन ओवंस और सैमी ज़ेन जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे थे। उम्मीद ऐसी भी थी कि ये समर स्लैम में मैच में दिखाई दे सकते हैं इनके साथ, बट हो सकता है कि WWE का ऐसे मैच का कोई प्लान समर स्लैम के लिए हो ही ना। वहीं पिछले काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि WWE टैग टीम टाइटल सेपरेट करेगी, तो हो सकता है WWE को ये करने का मौका मिल जाए। केविन ओवंस बाहर रहेंगे तो शायद WWE टाइटल वैकेट आके दोनों टाइटल सेपरेट कर सकती है और फिर दोनों ब्रांड के अलग अलग टैग टीम टाइटल हमें देख सकते हैं। वहीं दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर समर स्लैम में केविन ओवंस सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक के बीच मैच दिखता, तो डेमियन का जो मनी इन द बैंक कैश इन वाला एंगल है उसको WWE इतने सेल नहीं कर पाती। अब मैच नहीं होगा तो जजमेंट डे का फोकस सेथ रॉलिंस पे ही होगा। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे आपको बता दूं, रूमर्स ऐसे भी हैं कि डोमिनिक अपना नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप समर स्लैम में किसी NXT सुपरस्टार के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर केविन ओवंस के खिलाफ वो टैग टीम मैच कैसे लड़ पाते, तो ये सब एक स्टोरी लाइन के एंगल को शायद दिखाने के लिए करा गया है। वहीं बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच होने वाले समर स्लैम मैच के बारे में। रूमर्स इस तरह के आ रहे हैं कि WWE ने एक्सीडेंटली समर स्लैम के मैच का रिजल्ट स्पॉइल करके रख दिया है, जिसमें जे उसो रोमन रेंस को हरा के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ जो रिजल्ट स्पॉइल हो गया। देखिए WWE ने फास्ट लेन का एक पोस्टर लॉन्च करा जिसमें रोमन रेंस नहीं दिख रहे हैं। वहीं इस पोस्टर पर कॉडी रूड, जे उसो, बियांका ब्लेयर, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ले, बॉबी लैशले, आस्का, बैकी लिंच जैसे सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। अब जे उसो का इस पोस्टर में होने पे ये कहा जा रहा है कि जे उसो इस पोस्टर पे इसलिए क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। अब मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं और ना मान रहा हूं कि रिजल्ट स्पॉइल हो गया है। अब ये बताओ, रोमन रेंस इस पोस्टर पे नहीं है और जे उसो हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि रोमन रेंस फास्ट लेन को मिस करने वाले हों, समर स्लैम में रोमन रेंस टाइटल रिटेन करें और फास्ट लेन में वो ना दिखाई दें। अब ऐसे तो कॉडी रूड्स, बियांका ब्लेयर, बॉबी लैशले और भी सुपरस्टार हैं इस पोस्टर पे, तो क्या सब चैंपियन है या चैंपियन बनने वाले हैं? ये सा लॉजिक हुआ यार? मेरी समझ से तो कोई रिजल्ट वगैरह स्पॉइल नहीं हुआ है और बेकार की बात है ये। अब जे उसो ने मनी इन द बैंक में पिन कर लिया तो क्या समर स्लैम में भी हरा देंगे रोमन रेंस को? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 तक ही चैंपियन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहां तक देखते हुए आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।